हमारे यहाँ के विधायक जी जो हैं विनय मिश्रा जी, वो लाइव आके ये बात बोलते हैं कि स्टे मारने की जरूरत नहीं है। खेती करने के लिए थी, फार्मिंग करने के लिए, लेकिन वहाँ पर पार्टी लॉन चल रहा, किराए पर दी हुई थी, कॉमर्शियल काम चल रहा था, बिल्डिंग मटेरियल का काम चल रहा था, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपको जो है खेती के लिए और खेती कर रहे थे? वहाँ बड़ी संख्या में लोग दूसरे गेट पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे अधिकारी उनकी सुनने की बजाय यहाँ पर समोसे खाने में लगे हुए हैं और गेट का ताला बंद कर दिया गया है, दोनों गेट बंद कर दिए गए हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में DDA का पीला पंजा चल रहा है और इस बीच कुछ लोग हैं, कुछ गांव के लोग हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि LG DDA और तमाम जो अधिकारी हैं वो लोग दलितों को परेशान कर रहे हैं। और आज ये नसीरपुर से लोग आए हैं, खसरा नंबर 393, जहां आपको याद होगा कुछ दिनों पहले DDA का बुलडोजर चला था और अतिक्रमण को हटाया गया था, और अब ये सब लोग पहुंचे हुए हैं DDA के दफ्तर में मंगलापुरी में उसका घेराव करने के लिए और लगातार ये कह रहे हैं कि दिल्ली का LG, दिल्ली का मुख्यमंत्री, DDA के अधिकारी सभी लोग दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं और इसके साथ साथ ही DDA के तमाम अधिकारियों पर, पटवारी पर, सब पर ये लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। अब ये मंगलापुरी पहुंच रहे हैं DDA के दफ्तर में, DDA के दफ्तर आ चुका है, यहाँ ये घेराव करेंगे लगातार और लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि इनकी ज़मीनें इनसे ना छीनी जाएं। आपको बता दें कि बीते दिनों DDA का बुलडोजर चला था ज़मीन पर, जहाँ नसीरपुर रोड पर खसरा नंबर 393 है वहाँ पर एक स्कूल बनाया गया था और उसके बाद दोबारा से तमाम ज़मीनों को अतिक्रमण से खाली कराया गया था। और अब जो ये लोग हैं इकट्ठा होकर आए हैं और ये कह रहे हैं कि हम दलित हैं, हम गरीब हैं, हमारे ऊपर अत्याचार लगातार किया जा रहा है। इसमें आप देखेंगे तमाम महिलाएं शामिल हैं, तमाम लोग शामिल हैं और ये लोग लगातार कह रहे हैं कि हमारे बाप दादाओं की ज़मीनें हैं, वो हमारी ज़मीनें हैं और उनसे हमें हटाया जा रहा है, हमसे वो ज़मीनें छीनी जा रही हैं। ये देखिए DDA का दफ्तर आ गया है और इन लोगों का बड़ा सैलाब यहाँ पर पहुँच रहा है। इनका कहना है कि आज तो ये सिर्फ ज्ञापन देने आए हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर सरकार इनकी ज़मीनें वापस नहीं करती है या दोबारा बुलडोजर चलाती है तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन ये लोग करने वाले हैं। ये देखिए पहुँच चुके हैं, पुलिस के तमाम लोग यहाँ हैं और गेट बंद है, ये पहुँच चुके हैं। ये कह रहे हैं कि आपकी ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है, सरकार के नुमाइंदे ये कहते हैं कि आप लोगों ने कब्जा किया हुआ था, तो वो अपने दस्तावेज दिखा दे और हमारे दस्तावेज देख लें। कोर्ट में जब केस चल रहा है वो पार्टी हैं, DDA भी पार्टी है, ग्राम सभा भी पार्टी हैं, तो वो लोग क्यों वहाँ पे, जब उनके वकील वहाँ पे खड़े हैं और उनको पता है कि इन ज़मीनों पे केस है और स्टे भी मिल चुका है, ठीक है, तो उसको क्यों नहीं मान्य करते? हाईकोर्ट से ऊपर है। हमारे यहाँ के विधायक जी जो हैं विनय मिश्रा जी, वो लाइव आके ये बात बोलते हैं कि स्टे मानने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी स्टे लेके आ जाए तो स्टे मत मानना, स्टे तुम मानोगे तो मतलब कंटेम्प्ट कर लेना, कंटेम्प्ट हो जाएगी, इससे ज़्यादा होगा क्या? कोई बात नहीं, कोर्ट में केस चलेंगे, कंटेम्प्ट ले लो, अधिकारी कहते हैं कंटेम्प्ट ले लेंगे, तो फिर कानून का डर ही नहीं है तो फिर कानून क्यों बनाए, कोर्ट क्यों बनाए? जमीन तो सरकार की थी ना? सरकार की नहीं थी ये जमीन सरकार की नहीं। आपको बता रहे हैं 74 में आपको मिली थी, खेती करने के लिए थी, फार्मिंग करने के लिए, लेकिन वहाँ पर पार्टी लॉन चल रहा, किराए पर दी हुई थी, कॉमर्शियल काम चल रहा था, बिल्डिंग मटेरियल का काम चल रहा था, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपको जो है खेती के लिए और खेती कर रहे थे? जी जब मेरी 2021 में ज़मीन तोड़ी गई थी उसकी भी कवरेज आपके पास होगी, उसमें एक गज जमीन, 4 बीघे 9 बिसवा ज़मीन थी मेरी, 4 बीघे 9 बिसवा ज़मीन में, 1 इंच ज़मीन में अगर कोई भी गलत काम दिखा दें विदाउट खेती बाड़ी के, 93 की बात कर रहे हैं ना, सारी ज़मीनों की बात कर, हाँ सारी की बात कर रहे हैं सर, मेरी तो ज़मीन नहीं है ना वो, मैं तो अपनी ज़मीन की बात करूँगा। जो हमारे लोग हैं जब अर्बनाइज हो गया क्षेत्र तो फिर उनका राइट है कि उस ज़मीन में वो कुछ भी काम कर सकते हैं। अब वो सरकार ज़बरदस्ती आके NDMC एक्ट भी लगा देती है और 74(4) के माध्यम से भी काम करती है, उधर जब छीननी हो ज़मीन तो कि तुम लोग इलीगल काम कर रहे हो, कमर्शियल काम कर रहे हो।
ये डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें बोलती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सारी चीज़ें बोलता है, जिस पे जो 35-40 साल से मालिकाना हक जो है जिन पे है, तो ज़मीन उनकी है ना कि सरकार की है। मगर सरकार, मैंने बताई ना, सरकार की नीयत बुरी है, सरकार की करनी और कतनी में फ़र्क है, वो कहती कुछ है करती कुछ है। इसी के खिलाफ केजरीवाल सरकार जब इस प्रदेश में आई थी तो उन्होंने बड़ा बड़ा जो है अखबारों में छपवाया था कि भूमिहीन संघर्ष समिति वाले लोग जो संघर्ष कर रहे हैं और जो पूरे देहात की जो ज़मीन है, 20 सूत्री कार्यक्रम की जो ज़मीनें हैं, वो वापस दी जाएंगी उनको। सरकार के लोग हमारी बात नहीं सुनते तो हम डीडीए का हेड ऑफिस का घेराव करेंगे और वहाँ तालाबंदी करने का काम करेंगे। आप क्या मांग कर रहे हैं? आप ये मांग कर रहे हैं कि जो ज़मीनें ली गई हैं, सरकार ने ली हैं, वो वापस मिले या फिर अब दोबारा से बुलडोजर ना? हमारी ज़मीन पे 393 को छोड़ के वो जहाँ मर्जी अपना बुलडोजर चलाएं, जो मर्जी चलाएं, लेकिन कानून को मानते हुए काम करें। क्या कहेंगे? मैं उनकी छोटी बहन हूँ, हम 9 बहन भाई हैं, अकेला हमारा भाई है जो हमारे मतलब हमारा सब कुछ वो ही देखता है, और हमारी ज़मीन को इन्होंने बिना बताए डेमोनेशन कर दिया, तो ये गलत बात है ना। सरकार को अगर कोई काम करना है तो सरकारी तरीके से करो ना, गलत तरीके से क्यों कर रहे हो आप? आके रात को वहाँ पे ना कोई नोटिस चिपकाया, बिना नोटिस के इन्होंने डेमोनेशन कर दिया, कम से कम इंसान को बताओ तो सही। ऐसे तुम लोग गरीबों की ज़मीन को हड़पने लग रहे हो, कहाँ जाएंगे हम लोग? सरकार के जो नेता हैं, जो अधिकारी हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सरकारी ज़मीन थी, आपको सिर्फ अलॉट की गई थी, आपके नाम नहीं की गई थी। तो नोटिस भी तो चिपकाओ ना आप, अगर ऐसा कुछ था तो नोटिस भी नहीं लगाया। हमारे नाम है 50 साल हो गए अलॉटेड हुई है हमारी ज़मीन, वो हमारी ज़मीन है जब हमारे सास ससुर को मिली थी। मैं तो खुद विधवा हूँ, अपने बच्चे का पेट पालन कर रही थी, मेरे साथ आकर रात को 8 बजे तोड़ा है, संडे के दिन 17 तारीख को। सटे ऑर्डर, हमारा सटे ऑर्डर देखा नहीं गया, हम सारे कागज लेके खड़े रहे, हमारे कागज देखे और जबरदस्ती विनय मिश्रा ने, मैं उसी टाइम मौजूद थी, इसने एकदम लेकर वो मतलब घुस गया, जेसीपी लेकर घुस गया और हम रोकने लगे तो हमारे भाई को तो जेल में डाल दिया। हम अकेले क्या करें, मैं अकेली थी उस टाइम, तो हम जाएंगे कहाँ? और हमारे साथ तो दोबारा फिर संडे का दिन, कौन सा कानून है संडे के दिन वो करना, और वो भी शाम को 7 बजे। क्या मांग उठाने के लिए यहाँ पर? हमें अपनी भाई हमारी जमीन वापस दो, हमें हमारी जमीन वापस दी है। वो अलाउड हुई है तो अलाउड का मतलब तो नाम ही होता है ना। अभी तक जितनी भी जो झुग्गियाँ झोपड़ियाँ थी उनको जो जमीन अलाउड हुई थी, वो अलाउड मतलब वो अलाउड ही है बंदा, वो तो जमीन ऑलरेडी उसकी है, तो आप ये नहीं कह सकते ना ही कोई MLA संडे के दिन आके ऐसी कार्रवाई कर सकता है। इसका मतलब कि ये साजिश है बड़े अधिकारियों की, जो गरीबों को सताया जा रहा है, तो ये सरासर गुंडागर्दी है, इसे बंद किया जाए, वरना यहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन जब वो चलता रहेगा। क्या नाम है आपका? राखी पवार। क्या कहेंगे? आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये पोस्टर क्यों लिया हुआ है और क्या मांग उठा? सर देखिए, संविधान हमें हर चीज़ का राइट देता है, जो DDA तानाशाही कर रही है ना बिना नोटिस के तोड़ने की कोशिश कर, तो वो अपना बहम इससे निकाल दे, क्योंकि भीम आर्मी भाई साहब के साथ खड़ी है, एक एक पेपर इनके परिवार के पास है, DDA के पास कोई नहीं है, वो ज़बरदस्ती जो कब्जा करने की कोशिश कर रही है, तो हम DDA का घेराव करेंगे और अगर वो हमारी ज़मीन तोड़ती है तो हम DDA को तोड़ देंगे। वहाँ बड़ी संख्या में लोग दूसरे गेट पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे अधिकारी उनकी सुनने की बजाय यहाँ पर समोसे खाने में लगे हुए हैं और गेट का ताला बंद कर दिया गया है, दोनों गेट बंद कर दिए गए हैं और ये अधिकारी यहाँ पर आपको नज़र आएंगे समोसा पार्टी करते हुए, और वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है दलितों का, गरीबों का। मांग ये है कि नसीरपुर में खसरा नंबर 393 है, उस खसरे में 150 बीघे का टोटल रकबा है, 150 बीघे में तकरीबन 40-45 बीघे ज़मीन, वो सन 1974 में DLR एक्ट 1954 के तहत ये गरीब आदमियों को अलाट की गई थी और फौजियों को अलाट की गई थी जिन्होंने 71 की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है सर, उसके बाद अपनी बुआई जुताई करते आ रहे हैं, सारा सब कुछ करते आ रहे हैं, अब पिछले 5-10 साल से इनको पता लग गया कि यहाँ तो ज़मीन की कीमत बढ़ रही है, तो इन्होंने उसको हड़पने की साजिश रची। DDA के अधिकारियों ने और कुछ भू माफियाओं ने मिलकर जो 150 बीघे में से ज़मीन थी वो आधी से ज़्यादा बेच दी और उस पर पब्लिक वो क्या नाम है कॉलोनियाँ बस गई हैं। सबसे पहली मेरी दरख्वास्त ये है, अगर वो DDA ज़मीन चाहती है तो इस रकबे को
393 को डिमार्केट करा जाए और वो 150 बीघे जमीन निकाले। डिमार्केशन तो 2008 में कराया गया था ना महाबल मिश्रा के टाइम। यही तो कमी है। मेरे पास ये कार्ड दिखाता हूँ मैं आपको। अरे सुनो कौन बोल रहा है भाई, एक मिनट, आप मेरा ये क्या है? ये वीडियो का लेटर है, देख लिए भाई। ये वीडियो का लेटर है। क्या लिखा है इसमें ये बता दीजिए। शॉर्टकट में ये बता दूं, पिचा ये जो कह रहे हैं डीडीए कह रही है कि हमें 95 बीघा हैंडी डोर टू डीडीए। द लैंड हैज नॉट बीन डिमार्केटेड। हैं मैं थोड़ा बोल नहीं पा रहा। हैज नॉट बीन डिमार्केटेड। इनको डिमार्केशन नहीं चाहिए। स्टे ऑर्डर की कॉपी है आपके पास? बिल्कुल है। स्टे ऑर्डर की कॉपी निकालिए एक बार। इधर आइए और स्टे ऑर्डर की कॉपी निकालिए। ये स्टे ऑर्डर की कॉपी है। ऑर्डर की स्टेटमेंट एक बार दिखा दीजिए। अब ऑर्डर की स्टेटमेंट भी दिखा देता हूँ मैं आपको। डायरेक्ट ये दो शब्द हैं, मैं लास्ट के आपको बता रहा हूँ। हमें इसमें कहता हमें डिस्टर्ब नहीं किया जाए। डीएलआर एक्ट 1954 के तहत 74 को हमें डिस्टर्ब नहीं किया जाए। ओनली ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है प्रदीप नंदराजन चौक का। ओनली इफ द डिसीजन अगेंस्ट द पेटिशनर सब्जेक्ट टू देयर राइट टू चैलेंज द ऑर्डर एंड ऑन द प्रोसीडिंग अटेंडिंग फाइनलिटी अगेंस्ट द पेटिशनर अलोन कैन बी पेटिशनर पोजिशन बी डिस्टर्ब बाय द रेस्पोंडेंट। वो सीधा कहता है, क्लियर कह रहा है कि आपको जब तक फाइनल, जब तक आपको मतलब फाइनलिटी, अगर मान लो हम कहीं कोई अधिकारी हमें डिस्टर्ब कर देता है या डिस्पोज करने की कोशिश करता है, तो हमें राइट दिया है हाईकोर्ट ने कि आप जो है टिल फाइनलिटी मीन्स सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर मेरे पास है। तो हाल ही में नसीरपुर में जो खसरा नंबर 393 के अंतर्गत ज़मीनें आती हैं उन पर जो बुलडोजर चला था उसके खिलाफ ये बड़ा प्रदर्शन भीम आर्मी के साथ मिलकर यहाँ पर लोग कर रहे हैं, और इनकी मांग है कि 74 में जो इनको ज़मीनें सरकार ने दी थी फार्मिंग करने के लिए, अपनी गुजर बसर करने के लिए, उन ज़मीनों को सरकार के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, डीडीए के द्वारा इन लोगों से छीना जा रहा है, और ये लगातार मांग उठा रहे हैं कि जो इनकी ज़मीनें इनसे छीनी गई हैं वो इन्हें वापस दी जाएँ, वरना ये डीडीए हेड ऑफिस का घेराव करेंगे और बड़ी संख्या में इस तरह से प्रदर्शन चलाए जाएंगे आने वाले समय में भी। वहीं सरकार का कहना है कि ज़मीन, सरकारी ज़मीनों पर इन लोगों का कब्ज़ा था, इन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था, उसे महज हटाया गया है, लिहाजा सरकार ने उन्हें खाली कराया है ताकि सरकार वहां पर अच्छे स्कूल बना सके, अच्छी डिस्पेंसरी बना सके और सुख सुविधाएं दे सकें क्षेत्र की जनता को। तो ये दोनों पक्ष हैं और लगातार इंडिया टाइम 24 न्यूज़ आपको इससे संबंधित खबरें दिखाता रहता है। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।